हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निनी कारम। और आज का ब्लॉग जो है, आज का ब्लॉग भी अनप्लान वाला ब्लॉग ही है। हम एक सडनली, आज एक्चुअली मंडे है, तो सडनली मैंने प्लान किया कि एक हम लोग का ये आलू में बहुत अंदर में एक चर्च है। ओह डरा दिया किती। हाय, आलू का अंदर साइड में एक चर्च है, प्रे सेंटर है, वहाँ में हम फास्टिंग करने के लिए आया था। फास्टिंग अनप्लान फास्टिंग करने आया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई नहीं है और इतना अंदर आ गया कि और शाम भी हो गया तो कोई है नहीं, और वो चर्च में पूरा धुना कोई है नहीं, तो क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा। अभी यहाँ वेट करते हैं, शायद कोई आ जाए। अगर कोई नहीं भी आते तो भी एक रात हम यहाँ गुजार के कल सुबह वापस चला जाएगा चर्च का बाहर में, और कैसे सरवाइव करेगा आप लोग देख लो। और कोई नहीं है तो ये कितनी देखो साथ में अचानक आया, इसको देख के ना खुश हो गया, मेरा एक दोस्त मिल गया जैसा ना। ये देखो अंधेरा है, कोई नहीं है, रात हो गया है, और ये है आलो का चर्च। और हमने कुछ ये लेके आया था बैग, इसमें कंबल है, और ये मेरा ओनली कॉम्बॉल और मेरा जैकेट लेके आया था हम। और दरवाज़ा ये अंदर से बंद है, ये दरवाज़ा अंदर से लॉक है, ये एक दरवाज़ा है और उस पर एक दरवाज़ा है ऑलरेडी, इसमें भी बंद है, ताला लगा के है, इसमें भी ताला लगा के है, और चाबी पता नहीं कहाँ में। नहीं पूछिए, मेरा दोस्त आ गया, इतना प्यारा। हम अकेला थोड़ा अजीब, थोड़ा डर लगा था, डर चर्च में तो कोई डरने का कोई बात नहीं है, बट थोड़ा डर लग रहा था। और चर्च का अंदर में प्रे सेंटर है, थोड़ा सा अंदर से देख रहे तो कोई ऐसा बैठ रहे जैसा भी लग रहे, शायद आएगा होगा कुछ समय बाद, और अंदर से बंद है तो अंदर में रह रहे जैसा भी लग रहा है। हम समझ में नहीं आ रहे कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ का केयर टेकर किसके पास चाबी है वो भी पता नहीं है, और नंबर भी दिया नहीं है, ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर शायद ऐसे दरवाज़ा पे लिख के रख देता तो बहुत अच्छा रहता ना, जिसके पास चाबी है तो उसको हम कॉन्टेक्ट करके आराम से अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा घर वापस जाने थोड़ा दूर हो गया, तो वेट करते हैं, अगर कोई आते तो अच्छा बात है, नहीं आते तो आज रात यहाँ सर्वाइव करके कल निकालते हैं। इसमें ये लोग चाय वाय बना के पिया था शायद ना। ओ आग अभी तक जल रहे है, मतलब कोई है, कोई था थोड़ा पहले, कोई पहले शायद शाम तक था। ये हमने लाइटर भी नहीं लाया और माचिस कुछ भी नहीं लाया आग जलाने के लिए, तो और थोड़ा विंटर का सीज़न है तो बहुत ठंडा होगा, अगर बाहर में हम रह रहे तो आग को देर तक जला के रखना पड़ेगा रात तक। आग तो है अभी भी, हमको लग रही कि कोई आना चाहिए, शायद कोई आएगा, थोड़ा वेट करते हैं ना थोड़ा देर तक, वेट तो करना ही पड़ेगा ना, आओ या ना आओ यही बैठना पड़ेगा। सो ऐसा यहाँ एक थोड़ा मतलब भी नहीं है, और मेरा दांत ये भी टावर भी एक ही दंती है, और ये मेरा ये कितनी जो है मेरा साथ रहेगा। ये आसपास में पता नहीं घर भी दिख नहीं रहे, ये कितनी कहाँ से आए है, नो आइडिया कहाँ से आए पता नहीं है, शायद मेरा साथ गायत ने इसको भेजा होगा साथ रहने के लिए ना, नो मॉरम। इसलिए हम जानवर बहुत अच्छा लगते हैं, कभी ना कहीं से आ जाते हैं है, साथ देने ना, हमेशा साथ रहते हैं ये लोग। ये लोग कंस्ट्रक्शन चल रहे तो कुछ खत्म हो रहा है, डाल के जलाएगा थोड़ा।
तो फाइनली आग जला लिया है मैंने। ये देखो आग जल रही थोड़ा थोड़ा। फाइनली आग जला दिया, आग जला लिया, पूरा खाला हो गया। अरे पूछी को बहुत अच्छा लग रहा है, पूछी को बहुत अच्छा लग रहा है आग के साथ। पूछी तुम कहाँ से आया बताओ, किस घर से, कौन से घर से आया है, मेरे साथ बैठने आए हैं? एक्चुअली हम खाने पीने के लिए भी थोड़ा सामान भी लेके आया है, भूख से तो नहीं मरेगा। इधर कुछ जूस, नींबू जूस, केक मैं तो भी लेके आया था, बट यहाँ में तो पका के खाने के लिए कुछ है ही नहीं, जुगाड़ कर लेते हैं बाद में। पानी भी एक ही बोतल लेके आया था, तो वो पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, नहीं पता। तो पूछी पूछी पूछी, और यहाँ में चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है, तो मेरा फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो जाएगा बाद में। चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है, पूछी मोनो मोनो म्याओ। चार्जिंग पॉइंट तो सब अंदर में है चर्च का। एक्चुअली यहाँ से हम घर वापस जा सकते हैं, रातों रात ऐसे चल चल के जाएगा तो घर पहुँच जाएगा, बट एक सर्वाइव करने का एक चैलेंजिंग भी करना चाहिए एक रात ही सही। क्या नीनी एक रात अकेला इस चर्च में, चर्च के बाहर में गुजर पाएगा या नहीं? तो ये भी एक बात है, आप लोग भी देखते रहना कि हम रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। रह पाएगा तो वीडियो तो देखने मिलेगा, ऑब्वियस बात है, नहीं रहेगा तो वीडियो तो खत्म, वीडियो भी नहीं आएगा। वैसे ये जगह में आके बहुत शांति लग रहा है, दिल एकदम हल्का हो गया मेरा यहाँ आके, और चर्च भी सामने में है और गार्ड भी साथ में है, तो और मेरा एक दोस्त भी है साथ में, तो मैं अकेला तो नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। शायद मैं यहाँ ऐसे रह सकती हूँ 2-3 दिन तक, बट देखते हैं, अगर आज यहाँ कोई नहीं आते बोलने से तो कल निकलना पड़ेगा घर। और सच में बहुत शांति, बहुत सुकून लग रहा है यहाँ आके, और अकेला अच्छा लग रहा है। और इस केतली में ओ पानी है, तो पानी या चाय, ये भी गर्म है, चाय है, क्या है ये, चाय है क्या, हो चाय है क्या, बिना ये वाला चाहिए चीनी वाला। चलो कुछ खाते हैं, चुप करो, हाँ। तुम को बुलाओ पल के झुकाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, जमीन को आसमान दिखा, सितारों से सजा, अगर तुम कहो अभी हम दोनों कुछ खाते हैं, मैंने लाया था केक, केक खाते हैं, शायद इसको भी पसंद आया, इसको भी पसंद आएगा होगा। अरे करो 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 करो, ये खिला रही है ना, इसको पसंद आ रहे, खा रहे अच्छे से ना, प्यारा से खा रहे। अले बुद्धू उसको नीचे बैठ के खाने, तो नीचे रख देते चीचे, ये बहुत कुछ है, ये भी है, भूखा तो नहीं मरेगा बट हाँ नींद लग सकते हैं, पर रात भर अगर जागेगा तो नींद लग सकते हैं अदरवाइज। तो ये खेती को गार्ड ने मेरे लिए भेजे, तो इसका नाम रखते हैं, हमको नाम पता नहीं है तो इसका नाम रखते हैं लिटिल नीनी, इसका नाम भी लिटिल नीनी रख देते हैं ना।
हम लोग अभी खा रहे हैं बिस्किट। नहीं खाना है, मुंह टोप के खा। क्या नहीं खाना है? नहीं खाने बोला, नहीं खा देती हूँ। ठीक है, पानी भी एक बोतल लाया था, यहाँ शायद पानी पीने के लिए भी नहीं था। अगर ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम दोनों पीने के लिए नहीं होगा, क्योंकि तो हम दोनों कैसे सरवाइव करेगा सुबह तक। तो बहुत समय हो गया है, अभी तक कोई आया नहीं है, तो ऐसे ही टाइम पास उस पर भी बना सकते हैं, बट वहाँ ज़्यादा ही हो जाएगा। और मेरे पास चम्मच भी नहीं है, तो टाइम पास ये मैगी पकाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इसमें पकाते हैं ना। और पानी भी ज़्यादा नहीं है, तो पानी एक बोतल सिर्फ है, तो ये पानी थोड़ा डाल के तेरा हो गया क्या अग्नि ना जाए आपको उल्टा बुझा देगा लग रहा है। अभी ठीक है, परफेक्ट। चीचू आप साइड करो, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप पुक के पूरा माता चक्कर आ गया मेरा। फाइनली अभी तो उबालने देते हैं इसको। आया तो तब पस्टिंग बैठना है, लेकिन यहाँ आके खा पी के बैठ रहे, समझ में नहीं आ रहे क्योंकि अंदर हम नहीं जा पा रहे। तो अच्छा सा बैठ के फ्रे करके बिना खा के पी के थोड़ा आराम से ऐसे लेटना पड़ता है, और अगर बिना खा के बाहर में बैठेगा तो और तकलीफ होगा बदन को। तो इसीलिए हम नहीं बैठते हैं पस्टिंग। प्रे तो मैंने किया है, प्रार्थना तो मैंने चर्च का बाहर ही बैठ के मैंने फ्रे तो कर लिया है, लेकिन पस्टिंग मतलब बिना खा के पी के रहना पड़ता है, तो वो तो चर्च अंदर में ही सही है। चर्च के बाहर में और कोई नहीं है तो हो जाएगा, पस्टिंग छोड़ देते हैं। तो आज के लिए हम पका के साइड बैठना पड़ेगा, और जा भी सकते, देखते हैं। ये पानी उबल गया, इतना जल्दी उबल गया देखो, क्योंकि बहुत अच्छे से ये आग मिल रहे हैं ना इसको। हम मैगी डालते हैं, जितना मतलब इसमें घुसते उतना ही डालेगा। करके डालना चाहिए था, क्योंकि बड़ा के लिए ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। ज़्यादा जा सकते जाने देते, देखो इतना अच्छे से उबाल गए, इसको ऐसे उल्टा कर लेते। भगरा भी है अच्छे से, वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया। और चर्च वालों ने नमक भी रख दिया है यहाँ, उन लोगों ने नमक भी रख दिया था, नमक भी डाल देते। अरे लिटिल नीनी है, क्या चला गया क्या एकदम। अभी थोड़ा मसाला डालते हैं, मसाला पहले डालना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ही तो मैगी को डाल दिया मसाला, नमक थोड़ा सा, बस अभी इसको मिक्सअप करते हैं। जुगाड़ वाला कुकिंग, अच्छा लग रहा है देख के, यम्मी ना।
तो बहुत ही बढ़िया से पक चुका है ये, अभी इसको नमाना है। थोड़ा ड्राई हो गया, पानी थोड़ा सा डालते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई कर दिया ना, पानी कम है, पानी डाल देंगे। अभी आएगा मज़ा। तो मैंने यहाँ रख दिया है नमक की, नहीं खाते। तो टेस्ट कहते हैं अभी। नो लिटिल नैनी, रुको 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 रुको। वाह अच्छा बना है ये तो, बहुत अच्छा डिश बन गया। लो लो लो, इधर इधर चुचू, इधर। फाइनली यहाँ का स्टॉप आ गया, तो हम अंदर जाते हैं। मुझे लगा था कि मैं रात भर बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन ये लोग आ गया और बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छा है। हम लोग ने प्रेयर वेयर कर लिया है, अभी रात का बजा है 12, तो हम लोग सोने जा रहे हैं। ये लोग इतना अच्छा है, इतना रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि हम अकेला है करके सुन के तुरंत ये लोग आ गया और पूरा यूथ टीम को बुलाया, उसने पास्टिंग प्रेयर बैठने में साथ दिया और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ में आके। अभी मॉर्निंग टाइम है, हम लोग का ब्रेक समय हो गया है, हम लोग पास्टिंग बैठ के रात को अच्छे से प्रेयर वेयर करके हम लोग का ब्रेक समय हो गया है। तो मेरा ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।